नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने अपनी मोहर लगा दी। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के महीनों तक जेल में रहकर जमानत पर निकले केजरीवाल ने कहा कि वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद उन्होंने ये बैठक करी। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में विधायक दल की बैठक के बाद और आम आदमी पार्टी के नए सीएम का चुनाव कर दिया जाएगा। केजरीवाल की घोषणा के बाद इस बात की चर्चा छिड़ गई थी कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या बोले थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। 2020 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 62 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार राजधानी मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन 2021-22 में बनी शराब नीति को लेकर पार्टी मुश्किलों से गिर गई। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ आक्रामक थी और इस्तीफे का दबाव बना रही थी। केजरीवाल इस बात पर अड़े रहे कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने अचानक पद छोड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। नए मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि ये पद विधानसभा चुनाव तक के लिए दिया जा रहा है। अगले लोकसभा चुनाव में जीत मिली तो दोबारा केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।